हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन आवर चैनल। और आज हम दोबारा से मेला गए हैं क्योंकि आज हमारी बड़ी दीदी आई है नजफगढ़ से, तो उनको घुमाने के लिए गए और हुए हैं मेला। आज ही है दशहरा, रावण जलेगा आज, वो भी दीदी लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि कानों की जिद है, मुझे रावण देखना है। बाकी देखते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है, अंदर जा पाते हैं कि गाइस आज नहीं। एंट्री देखिए आप लोग, कितनी भयंकर वाली है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, पीछे से लगी हुई है हमारे घर से। ये लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये जो जा रहे हैं लोग, ये सारे एंट्री वाले हैं। ओ भाई, रोड पे भीड़ कम है पर अंदर देखना कितनी ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि लाइन देखो लोगों की कितनी लंबी है। कल तक हम सिर्फ यहाँ पर खड़े होकर जा रहे थे अंदर को, आज देखो मेहमान मेला देखने के लिए। और मेले की हालत देखो, अंदर जा ही नहीं पा रहे ये लोग। मेले की हालत ऐसी हो रही है, ये लोग मुझे लग नहीं रहा कि ये लोग अंदर जाएंगे, बट देखते हैं, लेट्स ट्राई कि क्या होता है। सामान सब कुछ भारी लगा हुआ है, होप सो कि हम लोग अंदर पहुंच जाएं। गाइस आपको ये लाइन दिख रही है, ये जो आ रहे हैं सब लोग आदमी, ये इतनी छोटी लाइन आपको दिख रही है, बट ये है बहुत लंबी लाइन, पीछे से है। हमारा जो मेन पर्पस है वो है रावण देखने का, और वो भी हमारे कन्नू का, तो इसको दिखाने के लिए लाए हैं हम, स्पेशली नजफगढ़ से आया है। और कल तक तो ये रोड पर भी बहुत भीड़ होती थी, पर आज देखना सब बंद कर दिया है। इधर है रावण, अच्छा यहाँ है, तो गाइस चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं दक्षिणपुरी के रावण का। देखो रहा, ये रहा, मिल गया, दिख गया, दिख गया। दीदी ने एक रास्ता निकाल लिया है जहाँ पर हम खड़े होकर देख सकते हैं। ये होती है भारतीय नारी, सब पर भारी, ये है हमारी भारतीय नारी जो हमें रास्ता दिखा रही, कहाँ खड़े होकर इस पर से चलेंगे, क्योंकि दिखेगा नहीं दिखेगा, ऊंचा हो जाएगा, ऊपर दिखेगा, हाँ दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा। एक बार राउंड मार के आए, एक बार देखिए दिख रहा है तो तब चलेंगे। एक बार मैं जा रही हूँ मुनापत के, क्या बोलते हैं, मुँह आई ना करने, होप सो कि दिख जाए। और मैं सबको आवाज़ दे के बुलाऊँ, चिल्ला चिल्ला के, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आधे दिख रहे हैं, आधे आगे बहुत भीड़ है, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। आ जाओ। सो फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ से दिख रहा है प्रॉपर, अभी थोड़ा उस साइड होकर देखते हैं। आप लोगों को दिख रही होगी भीड़ कितनी ज्यादा है यहाँ पर भी, आधे से ज्यादा लोग यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि लाइन बहुत ज्यादा है ना, बहुत बड़ी लाइन है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर होकर खड़े होकर देख रहे हैं। अरे अरे वो उसमें मर गया, मतलब फ्री में। हाँ
जाएंगे सब मिलकर करके। अभी हम थोड़ा आगे आ चुके हैं अपने 17 नंबर के, ये लाइन है, यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, लोग जा रहे हैं वहाँ पे खड़े हो जा रहे हैं। और देखो लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये सब लाइन है पूरी, यहाँ से मेले में आगे वो आपको लाइट दिख रही होगी, वो मंदिर जैसा भरा हुआ है जो उसमें दिख रहा होगा आपको, वहाँ पहुँचना है। अब बताओ कौन जाएगा इसमें, हमारे बस की तो नहीं, हम तो जा रहे हैं घर वापस, कल आएंगे टाइम से फिर घूमेंगे, अगर कल भी लाइन कम हुई तो, बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल कुछ ढूंढ रहे हैं हम खाने पीने का, अगर मिल जाता है तो, वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बाकी कोशिश करते हैं कुछ मिल जाए। क्या क्या कह रही हो, हाँ। और यहाँ पर हम आए हैं अभी जलेबी लेने के लिए, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि दशहरे के दिन जलेबी खाना अच्छा होता है, जलेबी लेके आना घर पे अच्छा होता है, तो इसलिए मैं लाइन पर खड़ी हूँ। और यह है दीप स्वीट्स, यहाँ की जलेबी इतनी ज़्यादा फेमस है ना, लाइन लगा के लोग लेके जाते हैं, तो मैं भी अभी उसी लाइन में खड़ी हूँ, देखते हैं कब तक नंबर आता है। टोकन वगैरह मैंने ले लिया है और अब वेट करते हैं मेरी टर्न आने का। जलेबी की चलते हैं, उसके बाद ये दोनों बैठने का सोच रहे हैं, अभी देखते हैं। मैं तो पता क्या करी, मैं पैसे देख लिया, मैंने कहा हैरान भैया, क्या 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 क
कर दो, लो लो आप पकड़ो, आप पकड़ो।